सिटी हलचल, मैं संजना चोपड़ा। आज आम आदमी पार्टी की एक बैठक एमपी कोठी क्षेत्र में डॉक्टर संजीव गौतम के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें जिला आप के अध्यक्ष एडवोकेट दिनेश चड्ढा भी विशेष तौर पर पधारे थे। इस मौके पर विभिन्न पार्टियों को छोड़ 18 लोगों ने आपका दामन थामा। इस मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष ने नंगल नगर काउंसिल की सभी सीटों पर चुनाव लड़ बहुमत से अपना चेयरमैन बनाने का दावा किया। देखें सिटी हलचल की है रिपोर्ट। जिला रूपनगर में श्री अनंतपुर साहब, रूपनगर व नंगल की नगर कौंसलों व कीर्तपुर साहब की नगर पंचायत के फरवरी माह में होने जा रहे चुनावों की चर्चाओं को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोककर चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा करते हुए अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में आज पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट दिनेश चड्ढा व डॉक्टर संजीव गौतम के नेतृत्व में वार्ड नंबर 11, 12, 13 में एक संयुक्त बैठक कर विभिन्न पार्टियों के लगभग 18 लोगों को आप में शामिल करवा विभिन्न संगठनों में हलचल पैदा कर दी। आज आपका दामन थामने वालों में इंदरजीत सिंह ढिल्लो, नूरदीन सुभाष चंद, रणबीर सिंह राणा, जगमोहन सिंह, दलजीत सिंह, मनजीत कौर, परमिंदर सिंह, जोगेश कुमार, मनोज कुमार, सौरभ कुमार, सीमा देवी, रेखा रानी व बीना इत्यादि के अलावा भी कुछ लोग थे। सुने सिटी हलचल से बात करते हुए इस मौके पर डॉक्टर संजीव गौतम ने क्या कहा। आज नंगल कौंसल दे विच जड़ा एरिया फाल करदा उहदे विच वार्ड नंबर 12, 11 और 13 ने दी लोकां ने साडी पार्टी नूं ज्वाइन किया, जिन्हां दे विच शर्मा फैमिली, ढिल्लो फैमिली और ये लगभग 20 के करीब साडे नाल फैमिली ने इत्थे साडी नाल ज्वाइन किया। तो ज्वाइन करन दे नाल साडी पार्टी नूं वड्डा हंगारा मिलिया। इन्हां दे कहण दा इही सी कि असीं आम आदमी पार्टी नूं इस करके ज्वाइन कर रहे हैं कि पिछले समय से जिहड़ियां रवायती पार्टियां सी उन्हां रवायती पार्टियां ने नंगल दी कौंसल नूं ठल्लण तों इलावा कोई काम नहीं किया। केजरीवाल दी तर्ज दे उत्ते जिवें दिल्ली दे विच इमानदारी नाल सरकार चलाने, इवें ही नंगल कौंसल दे विच असीं साडी आम आदमी पार्टी जिहड़े कैंडीडेट जित के आणगे उह नंगल दी कौंसल नूं बड़ी सच्ची पक्की ते इमानदारी नाल चलाणगे। इस करके लोकां ने सानूं ज्वाइन कीता। केड़ी पार्टी सीगे जिहड़े केड़ी पार्टी छड्ड के आए? इह हर डिफरेंट पार्टी सी। कांग्रेस नूं बिलोंग करदे सी, कुछ लोक बीजेपी नूं बिलोंग करदे सी। इस मौके पर आपका दामन थामने वाले लोगों ने कहा कि वे कांग्रेस, अकाली व भाजपा जैसी पार्टियों की कार्य प्रणाली से खफा हो चुके हैं, इसलिए हम इन पार्टियों को छोड़ आप में शामिल हो रहे हैं। सुने इस मौके पर आपका दामन थामने वाले इंदर सिंह ढिल्लो ने सिटी हलचल से बात करते हुए क्या कहा। दसो जनाब, केड़ी पार्टी छड़ के आम आदमी पार्टी शामिल हो? मैं पहला भाजी शुरू तो कॉमरेड ही रहा, जो साड़ी पार्टी व्यू विच नहीं रही तो अच्छी पार्टी समझ के फिर मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का फैसला लिया। कितने लोग शामिल हुए तुसी? घट्टो घट 12-15 परिवार हैगे आ। बजुर्ग भी नेता है, होर भी है, किसी भी टिकट मिले आप कोई चक्कर नहीं, आप ना खड़े पार्टी। इस मौके पर आप में शामिल होने वाले सभी लोगों का स्वागत करते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष दिनेश चड्ढा ने कहा कि आने वाले नंगल नगर कौंसल के चुनावों में पार्टी सभी 19 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पूरे बहुमत से नंगल नगर कौंसल का चेयरमैन बनाकर क्षेत्रवासियों को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएगी। पत्रकारों द्वारा पार्टी में फैली कथित गुटबाजी के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, पार्टी पूरी तरह एकजुट है। सुने सिटी हलचल से बात करते हुए आपके जिला अध्यक्ष एडवोकेट दिनेश चड्ढा ने क्या कहा। नंगल शहर दे वार्ड नंबर 11, 12, 13 दे विच्चों बड़ी गिणती दे विच जिहड़े साडे साथी है उन्हां ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके उन्हां ने अज ऐलान किया कि नंगल दे विच उह इक नवीं राजनीति की शुरुआत करनगे, लोक पक्षी राजनीति की शुरुआत करनगे, क्योंकि लोगों का कहना है कि हुण तां बाकी पार्टियां दे विच कई कई सालों तो दहाकियां तो इक्को ही बंदे आ जिहड़े बार बार नुमाइंदे चुने जा रहे ने, ते उही हर बार जिन्हां नूं कुछ लीडरां दी थापी हुंदी है अगे आउंदे ने, जिस करके ना तां लोकां दे जिहड़े मुद्दे है ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ
भारी नुकसान हो रहा। शहर के जिने वे मुद्दे है उन्हों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। पी ए सी एल जी शहर की लगभग इकलौती वीड्डी इंडस्ट्री बची सी, जितों कुछ शहर के रुजगार की आस थी, शहर के लोगों कारोबार की आस सी, वो लोगों के भारी विरोध के बावजूद कौडिया के भा जी निजी हथा दे दिती गई। इस तरह जी नंगल की ट्रक यूनियन है जिसे सिर पर नंगल का बड़ा रुजगार चलता आले दुआले के इलाके का, भी उतों के ट्रक ऑपरेटर हूँ तक जोड़ा हाए तौबा कर रहे हैं कि साडा रुजगार साढ़े हथों चल गया, पर उन्हों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। सो नंगल दे लोगों के अज जे नंगल शहर के घूम के देखा जाए एक भारी लोगों के दिलों आवाज़ है कि नंगल के जी नवी धिर है वो आनी चाहिए है, जिस करके जो गलत नीतियां हुण तक रवायती पार्टियां वालों चल रही ने उन्होंने थोड़ी लोग अकल देना चाहते हैं एक नवी साफ सुथरी राजनीति की, क्योंकि जिहड़ी खिचोताणी की राजनीति है थापी की राजनीति है लोग तो छुटकारा चाहते हैं। लोग ये चाहते कि सिर्फ तो सिर्फ जिहड़े लोगों की गल करन वाले, लोगों की समस्या की समस्यावां दा हल करन वाले और शहर के लिए कुछ चंगा सोचण वाले जिहड़े लोग है वो अगे आ, जिस करके सानू भारी गिणती अज इत्थों समर्थन मिलिया। किहड़ी पार्टियां छड्ड गए लोग जिहड़े अड अड पार्टियां दे विच साडे साथी काम करते रहे हैं, इन्हों के बारे मेरे तो बाद किड़ा किड़ी पार्टी के आया साढ़े सकत्र साहब थानू जानकारी दे देंगे। इन्हों कुछ जोड़े साथी है कुछ होर पार्टियां भी काम करते रहे हैं, तो कुछ जोड़े वो नवे नवी शुरुआत करने के लिए पहली बार भी राजनीति आम आदमी पार्टी जुड़ रहे हैं, दोनों तरह के साथी शामिल हो रहे हैं। दसो कि ऐसा तो नहीं कि नंगल नगर कौंसल चुनाव आ रहे, चुनावों देख रहे हो थोड़ी पार्टी ज्वाइन कर रहे हो, कहीं टिकट मिल जूगी इलेक्शन लड़ने वास्ते, ऐसा तो नहीं लग रहा? देखो जेकर थोड़े सवाल का दे कोई भी सच्चाई हो फिर तो एम सी का इतने जोड़े ग शामिल होने की गिणती है वो 25-30 है नहीं, सीटा भी है नहीं। सो इस करके सीटा वाले बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ शहर के बदला शहर शहर का भला सोचने वाले लोग है, समाज का भला सोचने वाले लोग है। मुद्दे क्या होंगे सर थोड़े? जदों साढ़े कैंडीडेट फाइनल हो गए उस तो बाद नंगल शहर दे साडा की एजेंडा होएगा, नंगल शहर लिए साडा की मैनीफेस्टो होएगा वो प्रेस के अगे रखांगे, पर डिटेल्ड उदों रखांगे। पर मोटे तौर पर मैं थोनू दस चुकिया ऑलरेडी कि जिहड़ा नंगल वर्गा शहर है जिहनू असी मिनी चंडीगढ़ भी कहिंदे आ, पर उहदी हालत जिहड़ी आ दहाकियां तों दिन प्रति दिन जिहड़ी है निघार वल जा रही है, जो जिहड़े जिस रुजगार करके जिस इंडस्ट्री करके यह शहर बसिया सीगा वह दिन प्रति दिन उहदा उजाड़ा किया जा रहा, मतलब कि शहर की जिहड़ी सियासत है लोगों के हित दे विच नहीं हो रही। सो इस शहर दा नूं दुबारा तो विकास दे वल लैके जाणा, दुबारा तो जिहड़े रुजगार दे साधन है उहनां नूं बचाउणा, उहनां नूं डिवेलप करना, लोक पक्षी राजनीति करनी, जिहड़ा पैरी जिहड़े लोगों नूं पैरां दे विच रखण वाली राजनीति है वह तो परे ले जा के लोकतंत्र दे विच लोकां द लोकां दे राज नाली राज वाली राजनीति की शुरुआत करनी साडा मेन जिहड़ा एजेंडा है। ये दसो कि जिहड़ी आम आदमी पार्टी आ वो इक मंच ते सारे इकट्ठे ने, बिल्कुल पार्टियां वांगू उहनां दे विच वी धड़ीबंदी है? देखो आम आदमी जिहड़ी धड़ेबाजी है ना, धड़ेबाजी उदों हावी हुंदी है जदों पार्टियां अपने अड्डर लीडरां नूं एजेंसियां देंदियां कि तुसीं अपने अपनी जिहड़ी है हट्टी चलाई जाओ, पर जिहड़ी आम आदमी पार्टी है वह ऐसा किसी नूं कोई अख्तियार नहीं दिंदी। सिर्फ इकलौता एजेंडा अरविंद केजरीवाल जी का जिहदे तहत दिल्ली दे विच काम किया गया उहदे ते आम आदमी पार्टी काम करती है, और सारे ही जिहड़े आम आदमी पार्टी के वलंटीयर है इको एजेंडे ते काम करते हैं, थोड़ा किसी का भी जो वक्खरा एजेंडा नहीं मिलेगा। एक सर्कल प्रधान थोड़े इंचार्ज बनाए गए थोड़े इत्थे सतीश चोपड़ा जी वह नज़र नहीं आ रहे, संजीव राणा जी नज़र नहीं आ रहे, इदा करके कई जिहड़े लीडर हो भी देखो मीटिंग तो दूरी इसका कारण की लगता है? कल दी ताड़ी पूरी लिस्ट लगी हुई है। सुनो जी हाँ जी, जे तुसी जेकर यह चाहो कि पार्टी की हर एक मीटिंग दे विच सारे ही बंदे हाजिर होन फिर तो उहदेदारियां जिम्मेवारियां बनन का फायदा कोई नहीं है, हर बंदे की अपनी जिम्मेवारी हुंदी है कि किने कित्थे काम करना, हर मीटिंग दे विच हर कोई बंदा शामिल नहीं हो सकता। तुसी ग्रुपबाजी की गल कोई वह ता करो जो थानू किसी ने लिख के इतने विरोध भेजा हो मीटिंग कितने सब तो उल्ट हो रही है, हर मीटिंग दे विच सारे जिहड़े जिम्मेवार बंदे आ कदे शामिल नहीं हो सकते, 100 तरह के काम होंदे आ, सारे बंदे जी इक्को जगह आके बाकी काम कौन करूंगा। सिटी हलचल के लिए नंगल से अशोक चोपड़ा की रिपोर्ट। अब आपके अपने शहर नंगल के एमपी कोठी मार्केट में रॉयल स्वीट्स पर बेकरी की दुकान खुल गई है। यहाँ आपको मिलेंगे अपनी डायरी के शुद्ध दूध से बनी मिठाई, दही, पनीर व दूध, इसके अलावा पेस्ट्री और आपकी पसंद के अनुसार स्वादिष्ट व उत्तम क्वालिटी के वैष्णो केक भी। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें।
क्योंकि एक बार आओगे तो बार बार आओगे। हमारे फोन नंबर है 98774-9819-70090-39655। एमपी दी कोठी मेन बाजार विच रॉयल स्वीट्स बेकरी नाम दी दुकान खोली है। साडे कोल इत्थे अपने डेयरी दा दुध ओरिजिनल समान साडे कोल इत्थे मिलेगा। असी सारा केक जो भी है अपने इत्थे ही बनांदे आ ते बाहरों कोई भी समान लेके नहीं आंदे आ। जो भी साडी मिठाई है बिल्कुल साडी डेयरी दे दुध ही है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे बापू गंगादास जी टीवीएस शोरूम कीरतपुर साहिब। यहां से टीवीएस की कोई भी गाड़ी खरीदने पर मिलेंगे 3 आकर्षक उपहार। नकद गाड़ी खरीदने पर 2500 रुपए की छूट, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, 4500 का भुगतान कर कोई भी गाड़ी ले जाएं अपने घर, 5 साल की इंश्योरेंस, 5 साल की वारंटी और 2 साल तक निःशुल्क सर्विस की सुविधा के साथ और भी कई लाभ पाएं। यह मौका हाथ से न जाने दें और पहुंचे टीवीएस गाड़ी खरीदने के लिए टीवीएस शोरूम बापू गंगादास जी कीरतपुर साहिब। खुश खबरें। सोनी सुजुकी रेलवे रोड नंगल पधारे और 5151 रुपए देकर सुजुकी की कोई भी गाड़ी अपने घर ले जाएं और इसमें आरसी व इंश्योरेंस का खर्च भी शामिल है। पेटीएम से भुगतान करने पर कैशबैक, कोई भी गाड़ी खरीदने पर निश्चित उपहार, एक्सचेंज बोनस भी पाएं 1000 रुपए तक का, CHD सुविधा भी उपलब्ध। गाड़ी खरीदने पर ऑनलाइन लकी ड्रा में मारुति स्विफ्ट 22 कैरेट सोने के सिक्के सहित और भी बहुत कुछ जीतने का मौका, तो जल्दी करें, कहीं मौका हाथ से छूट ना जाए। तो आज ही पहुंचे सोनी सुजुकी रेलवे रोड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97801-20462, 97802-66062, 97802-58962। खुश खबरें। वसीम गारमेंट मेन मार्केट वाली दुकान बदलकर अब नंगल भाखड़ा मुख्य मार्ग पर खुल गई है। यहां आपको मिलेंगे बच्चों से लेकर लेडीज बच्चांस के एक से बढ़कर एक खूबसूरत डिजाइनों के ब्रांडेड कपड़े, वह भी होलसेल रेट पर। तो जरूर एक बार सेवा का मौका दे, क्योंकि एक बार आओगे तो बार बार आओगे, यह दावा है वसीम गारमेंट्स का। वसीम गारमेंट 82 हिलव्यू एनक्लेव भाखड़ा रोड। संपर्क करें फोन नंबर 94-36-94-376-85-560-88-974। सारे नगर निवासी रास बेनती करते हैं कि सानू एक बारी सेवा का मौका दो और बाजार नालो सस्ते दाम पे हर आइटम मिलेगी। गॉसिप द कैफे लेकर आया है अपने ग्राहकों के लिए एक नया ऑफर। हर मंगलवार एक पिज्जे के साथ पाए एक पिज्जा फ्री, वाई वन गेट वन फ्री। अगर ऑफर है इतनी आकर्षक तो देरी किस बात की, अभी करें ऑर्डर। गॉसिप द कैफे, अजा मार्केट, नंगल।